मैं राजकुमार राणा हूं और आज़ाद नगर रामपुर मोड़ का निवासी हूं। अभी मेरे पीछे जो आप सड़क का हाल देख रहे हो वो सबको विदित है और ये बार बार सरकार को बता भी चुके हैं कि यहाँ का बहुत बुरा हाल है, लेकिन यहाँ प्रशासन का, नगर निगम का कोई कर्मचारी आगे देखता ही नहीं है कि हो क्या रहा है। कर्मचारियों की तो अब अपने घर घर में रहना, अपनी तनख्वाह लेना और आराम करना। अभी ये तो देखोगी यहाँ हम रह कैसे रहे हैं, हमारे बच्चों का निकलना मुश्किल हो गया और हमारे लिए तो यही बरसात बाढ़ है। हम तो बाढ़ग्रस्त हैं, अभी भी हम घर से बाहर निकलते ही पानी में पैर रखना पड़ता है। ये गली है हमारी जो आज़ाद नगर की मंदिर वाली गली, इस गली में कभी भी आकर के आप औचित्य निरीक्षण कर सकते हैं। घर के बाहर नहीं निकल सकते हम, पानी में निकलना पड़ता है। या तो सरकार हमारे लिए कोई इंतज़ाम करे पानी की निकासी का, अगर इंतज़ाम नहीं कर सकती है तो हमें बताए, हम अपना पैसा लगाएंगे और रहने के लिए हम अपना बनाएंगे, फिर हम यहाँ नोटा का बोर्ड लगाएंगे कि यहाँ कोई इंसान वोट मांगने नहीं आएगा, कोई नेता यहाँ गली में भटकेगा भी नहीं। हमारे पैर खराब होने लग रहे हैं धीरे धीरे, क्योंकि लगातार पानी में रह रहे हैं। थोड़ी सी बरसात हुई और सारा रोड का पानी गली में, सारा रोड भरा हुआ है, तो उसका तो सरकार को ध्यान देना ही चाहिए। अगर ये नहीं कर सकती है सरकार हमारे लिए, तो हमें जवाब दे कि भाई हम नहीं कर सकते आपके लिए कोई सहायता, हम अपना इंतज़ाम खुद करेंगे। जब हम अपना खाना खुद खाते हैं, पेट भरते हैं, कमाते हैं, तो हम गली भी करवाएंगे अपनी ऊंची और पानी से बचाव भी रखेंगे हम अपना, और बीमारी फैलने का तो खतरा नहीं रहेगा। अभी बीमारी फैलने का इतना खतरा है कि बच्चों को अभी भी उल्टी दस्त लगे हुए हैं, पैरों में उनके उंगलियाँ गल गई हैं, पाउडर लगा लगा के हम परेशान हो गए हैं, लेकिन उंगलियां बच्चों की ठीक नहीं हो रही हैं। धन्यवाद।